नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला एंड पाठशाला एग्जाम में। दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। किसको नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिनको शॉर्ट में NTRO बोला जाता है, के अध्यक्ष बनाया गया है? और आपके ऑप्शन है SD देवगौड़ा, राजेश खुल्लर, अनिल दसवाना, नानाथ दैवक। इस क्वेश्चन का जवाब जानेंगे साथ में ही और सारे न्यूज से आज के दिन के क्वेश्चन से रूबरू होंगे। लेकिन उसके पहले, अगर करंट अफेयर पे की गई मेरी मेहनत आप सभी को पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन दबा के मेरा उत्साह बढ़ाइए। 500 लाइक अगर आपने रीच कराया तो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा वीकली करंट अफेयर। ये आपका रिविजन होगा जिससे आप लोगों को करंट अफेयर प्रॉपर तरीके से हमेशा याद रहेगा। दिन की शुरुआत में हम डिस्कस करते हैं किसी ना किसी के विचार, और आज का विचार है यू आर सो क्लोज टू द विक्ट्री, डोंट यू डेयर गिव अप नाउ। आप विक्ट्री के, जीत के बहुत करीब है और इस वक्त जो है इसे छोड़ने का साहस ना कीजिए, इसे जीतने का साहस कीजिए। सो इसी विचारधारा के साथ हम करंट अफेयर के जो है पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 अक्टूबर 2020 को वैभवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वैभवा का पूरा नाम क्या है? वैभवा का पूरा नाम है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। आपके ऑप्शन भी थोड़े से करीब करीब लिखा गया है, विकास भारतीय वैज्ञानिक, वैश्विक भारत वैज्ञानिक, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। ये आपका जो है करेक्ट जो है इसका फुल फॉर्म है, वैश्विक भारतीय और वैज्ञानिक। ये भारतीय ये लेना है, वैश्विक भारत वैज्ञानिक नहीं है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। थोड़ा सा और इसके विषय में डिटेल जानते हैं कि पीएम मोदी टू इनॉग्रेट वैभव समिट ऑन 2 अक्टूबर 2020। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, पहले से ही जैसा कि नाम है वैभवा, तो ये होने वाला क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, वैश्विक भारत वैज्ञानिक नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आपके ऑप्शन में ये आ सकता है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। तो ये महीने भर एक चलने वाली समिति है, इस समिति में क्या होने वाला है, जो भारत के हमारे जो शोधकर्ता हैं वैश्विक स्तर पे, उनकी विशेषज्ञता और उनके जो है काम को लेके विश्व कितनी अच्छी तरीके से जो है लाभ उठा सकता है, वो अपने काम में कितना सफल हो सकते हैं, कितना मेहनत से और बेहतर काम कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को जो है बढ़ावा देने के लिए एक मंच बनाया गया है। इस मंच पे वो सारे के सारे लोग अपने विचार, अपनी खोज, अपनी बाकी की सारी चीज़ें रखेंगे। जैसे स्टार्टअप इंडिया एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मंच है जिसके माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाता है, इसी तरीके से जो वैभवा है ये एक मंच है जिसमें से जो हमारे वैज्ञानिक है, जो उभरते हुए वैज्ञानिक है, जो उनके रिसर्च है, उनको बढ़ावा दिया जाना है। तो वैभव शिखर सम्मेलन भारत के सभी SNT का मतलब यहाँ पे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अकादमिक संगठनों, अनुसंधान अकादमिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं, इन सभी की एक संयुक्त पहल है जो कि अच्छी तरह से समझे गए उद्देश्यों के लिए समस्या का समाधान दृष्टिकोण के साथ विचार प्रक्रिया प्रथाओं और R&D संस्कृति पर विचार विमर्श के सक्षम के लिए है। देखो मैं शॉर्ट में इसको समझाता हूँ, इतना बड़ा लाइन स्टेटमेंट आप रीड कर लीजिएगा। ये एक क्या है, समिति बनाई गई है, एक मंच बनाया गया। इस मंच पे क्या होने वाला है, जो भी हमारे देश में जो चैलेंजेज है और जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी और हमारे वैज्ञानिक लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस मंच के थ्रू सारे मुद्दों को डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें क्या रिसर्च किया जा सकता है और इसको कम कैसे किया जा सकता है, और जो भी हमारे वैज्ञानिकों के थ्रू विचार आएगा गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको सपोर्ट करेगी, उसको बढ़ावा देने का काम करेगी। तो वैभवा बेसिकली एक मंच है जो हमारे वैज्ञानिकों को, जो दुनिया भर में, देश भर में जो प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं, उन चैलेंजेस को बीट करने के लिए जो R&D का काम है, R&D के काम को सपोर्ट देगी और उनको बढ़ावा देगी। तो इन शॉर्ट वैभवा का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा कप अमेरिका की महान महिला टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग को सम्मान देने के लिए अपना नाम बदलकर बिली जीन किंग कप नाम से जाना जाएगा। ये बिली जीन किंग कप अब जाना जाएगा, इसके पहले पूछा जा रहा है कि कौन सा भाई कप था, वो विंबलडन था, फेड कप था, ऑस्ट्रेलियन ओपन था या रोलांड गैरोस था। तो फेड कप का नाम बदला जा रहा है, फेड कप का नाम बदल के बिली जीन किंग किया जा रहा है। बिली जीन किंग जो है एक टेनिस खिलाड़ी हैं, और ये फिर से इनका जरा ध्यान से देखिएगा, और टेनिस कप ये टेनिस से रिलेटेड खिलाड़ी हैं और फेड कप जो है टेनिस पे बेस्ड है, ये जो फेड कप होता है, तो ये टेनिस पूछा जाएगा कि कौन से गेम से संबंधित है फेड कप, फेड कप टेनिस से संबंधित है। तो फेड कप अमेरिका की महान महिला टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग, ये नाम ध्यान रखिएगा, अब फेड कप नहीं कहा जाएगा, अब बिली जीन किंग कप कहा जाएगा, ये नाम अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा ये दोनों चीज़, क्योंकि अभी ये बदला जा रहा है, फेड कप ये चेंज किया जा रहा है बिली जीन किंग कप इस नाम से। ये पहला बड़ा वैश्विक टीम जो है टूर्नामेंट होगा जो एक महिला के नाम पर होगा, इसके पहले मतलब इतना बड़ा जो टूर्नामेंट है नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे जो है किसी महिला के नाम पे कोई कप का नाम नहीं रखा गया था। ये पहली बार ऐसा रखा गया है कि फेड कप का नाम बदल के महिला के नाम पे रखा जा रहा है। फेड कप महिलाओं का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होता है और अमेरिका इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रही है, सबसे ज़्यादा जो जीत दर्ज करने वाली टीम रही है, और ये जो देश है वो अमेरिका है। 76 साल की हो गई हैं और ये 12 ग्रैंड स्लम जो है एकल खिताब जीत चुकी है, ये कुछ उपलब्धियां हैं
जिनको आप जान सकते हो, इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। 6 विंबलडन ट्रॉफियां इन्होंने जीता है, इसके अलावा 39 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता हुआ है। ये सब वो खिताब है, ये इनके अचीवमेंट है। तो एक खिलाड़ी के तौर पर बिली ने 7 बार फेड कप जीता है, और एक बार दो बार नहीं 7 बार फेड कप जीता है, 4 बार अमेरिका की कप्तान रह चुकी हैं। तो इस बात को आपको समझना है कि बिली जिन का जो नाम है इस वजह से और फेमस हो रहा है क्योंकि 7 बार इन्होंने फेड कप जीता है। क्या है, 7 बार फेड कप जीता है। अब ये डिसाइड हुआ है कि चलो फेड कप को इन्होंने इतनी बार जीत लिया है और इतनी महान खिलाड़ी रही हैं कि फेड का नाम बदल के हम बिली जिन किंग कप रख देते हैं। तो बिली जिन किंग कप अब फेड कप जाना जाएगा, और ये फेड कप टेनिस से संबंधित है और ये टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या, कौन सी खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। देखो, जो FDI में निवेश है वो एक्चुअली क्या है, विदेशी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 100% निवेश है, लेकिन अभी जो सीन चल रहा था वो ये चल रहा था कि 49% जो है किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिया जा सकता था अपनी मर्जी से, और बाकी के रेस्ट ऑफ द 51% के लिए क्या हो सकता था, 51% के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। पर ये जो 49% है इसको जो है इंक्रीज करके अब 74% कर दिया गया है, मतलब अपनी मर्जी से वो 74% तक क्या कर सकते हैं, FDI निवेश ले सकते हैं इस सेक्टर में। रक्षा क्षेत्र में बेसिकली 100% पहले से ही था, तो सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वतः मंजूरी मार्ग, स्वतः मंजूरी मार्ग का मतलब ये होता है कि जो भी स्टार्टअप है, जो भी इंडस्ट्री है, वो अपने से ही जो है इन्वेस्टमेंट ले सकता है। पहले ये 49% था, अब इसको बढ़ा के 74% कर दिया गया है, और बाकी का जो 51% पहले था वो क्या था, वो जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, अब कितना परसेंट रह जाएगा, अब 26% रह जाएगा। तो यही छोटा सा जो है न्यूज़ है कि अभी जो है जो FDI का निवेश है रक्षा क्षेत्र में वो अब 49% से बढ़ा के 74% कर दिया गया, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, आपके रेलवे के एग्जाम में, SSC के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, हाल ही में संसद द्वारा पारित किसानों के व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है लिखा है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है वो नहीं बताना, कौन सा कथन सही नहीं है। लेकिन इसके पहले आपको विधेयक के विषय में ब्रीफ जानना होगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट है, इसमें से एक स्टेटमेंट है जो मैं पढ़ के बता देता हूँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को समाप्त किया जाएगा। ये बोल रहा है कि MSP समाप्त कर दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये MSP को समाप्त नहीं किया गया है इस बिल के तहत। MSP किसानों के लिए सबसे बेहतर बात था कि ये बोला जा रहा था कि अगर आपका मार्केट में आपके हिसाब से प्राइस नहीं मिलेगा तो इतना प्राइस तो कम से कम आपको मिलना ही मिलना है। तो ये एक समर्थन मूल्य था कि इससे ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। अगर इससे कम मिल रहा है तो सरकार आपका पूरा का पूरा परचेज कर लेगी, और जो आप सरकार को दे सकते हो ये मिनिमम पैसा है जो आप सरकार से लेके जा सकते हो। तो ये MSP नीचे चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसको समाप्त कर दिया जाएगा, तो ये ऑप्शन है जो गलत है। एक्चुअली ये बाकी का सारा है, लेकिन कहने का मतलब है इस विधेयक के विषय में थोड़ा सा ब्रीफ जानना जरूरी है। और अभी अगर आप न्यूज़ देख रहे होगे और न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखते हो, तो अभी आपको पता है कि बवाल बड़ा हुआ है, हरसिमरन कौर बादल ने रिज़ाइन कर दिया है इसी मुद्दे को लेके, और अभी राज्यसभा में बहुत बवाल बचा हुआ है। ये न्यूज़ चली रहा है, आज के दिन भी न्यूज़ चल रहा है, अगर आप देखोगे तो ये इसी बिल को लेके, किसान बिल को लेके ही चल रहा है। तो ये दो तरीके के बिल पास किए गए, पार्लियामेंट पासेस फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, एक नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 एंड फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। ये दो तरीके के बिल के नाम है, दो विधेयक है जो किसानों से रिलेटेड हैं। तो राज्यसभा ने 20 सितंबर को कृषि क्षेत्र से संबंधित दो मुख्य विधेयकों को मंजूरी दी है। इन दोनों विधेयकों को लोकसभा पहले ही पारित कर चुका है। अब ये राज्यसभा में डिस्कशन का मुद्दा चल रहा है, इनकी वोटिंग को लेके कुछ लोगों का मानना है कि ये किसानों के हित में है, कुछ लोगों का मानना है किसानों के हित में नहीं है। अब इसके मुख्य बिंदु आज आपको समझने होंगे कि क्यों इस पे लड़ाई चल रही है, और जरूरी है समझना। तो ये विधेयक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और किसान सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है। ये विधेयक 5 जून 2020 को जारी किए गए समान अध्यादेशों के स्थान लेंगे। 5 जून 2020 को एक अध्यादेश लागू कर दिया गया था, और अध्यादेश को बाद में कानून में कन्वर्ट करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पारित करना होता है। तो ये वही प्रोसीजर चल रहा है और इसी को लेके बवाल चल रहा है। तो अपन ना क्या काम करते हैं, पहले समझते हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 किसानों को अपनी उपज के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की सुविधा भी प्रदान करता है। ये उसके कुछ मुख्य पहलू है कि अभी तक क्या है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें ऑथराइज नहीं थी, अब क्या है कि अब वो इलेक्ट्रॉनिकली व्यापार कर सकते हैं। जैसे आज के समय पता है कि आपका एजुकेशन है, मैं इसको व्यापार नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि बड़ा बुरा लगता है, लेकिन समझो कि पहले लोग इलेक्ट्रॉनिकली जो है अपने कंटेंट बेचते नहीं थे, लेकिन अभी डिजिटलाइज हो रहा है। तो इस डिजिटल दुनिया में इस विधेयक में एक ये व्यवस्था की गई है कि किसान भी डिजिटलाइज हो सकते हैं।
इसके इससे क्या है, कृषि के जो जीन्स की प्रत्यक्ष ऑनलाइन खरीद फरोख्त के लिए लेनदेन प्लेटफॉर्म स्थापित होगा। अब इसमें एक सुविधा ये की गई है कि जो किसान है उसके जो जीन्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो ऑनलाइन ही खरीद बेच हो सकती है। अच्छा, ऑनलाइन खरीद बेच होने का फ़ायदा क्या होता है? ऑनलाइन खरीद बेच होने का फ़ायदा अभी क्या होता है कि किसान मिड में जाते हैं, ठीक है, फिर वहाँ से दूसरी पार्टी वहाँ पे आती है, तो बीच वाला एक जो बंदा बैठा होता है जिसको कहते हैं बिचौलिया, ठीक है, वो एक परसेंटेज कमीशन चार्ज करता है दोनों पार्टी से, और उसके बाद जो है क्या होता है कि पैसे का या काम का ट्रांसफर होता है। तो सरकार ये चाहती है कि इस वाले पार्ट को, ये जो बिचौलिया वाला पार्ट है, इसको हम खत्म कर देंगे। अब बहुत सारे लोग इस वाले मुद्दे को लेके भी डिटेल में घुसे रहते हैं, मैं आपको इसके टेक्निकल मुद्दे बताता हूँ। अभी एक चीज़ समझिए, अब ये बोल रहे हैं कि ये काम इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा होगा, एक प्लेटफॉर्म डिजिटली तैयार किया जाएगा, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आदान प्रदान होगा। ये प्लेटफॉर्म लेस फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो मैंने अमेजन या फ्लिपकार्ट बना दिया। अब हुआ क्या कि किसान यहाँ पे कुछ पोस्ट करेंगे, कोई आएगा यहाँ पे खरीदेगा, तो ये यहाँ से सेलिंग और बाइंग दोनों होगा यहाँ पे। अब इस चीज़ को समझिएगा कि ये प्लेटफॉर्म अगर गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट समर्थित है और गवर्नमेंट इसको जो है बना रही है, ऑपरेट कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो किसानों को फायदा है, फिर तो कमीशन नहीं करेगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अल्टीमेटली ये जो है, ये प्लेटफॉर्म भी कमीशन चार्ज करता है, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि हम डिजिटल है, हमें पता है ये कंसेप्ट कैसे काम करता है। तो ये भी क्या काम करेगा, ये भी पैसा चार्ज करेगा, इसमें कुछ लोग काम करेंगे, उनकी सैलरी वगैरह जाएगी। तो यहाँ से यहाँ किसानों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, किसानों की वो सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो यहाँ पे मिडिल मैन थे जिसे इन व्यापार से मदद मिलती थी, लोग कहते हैं बिचौलिया को भी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रोजगार मिल रहा है, उनकी फैमिली भी तो चल रही है, तो इनका रोजगार किल होगा, ये अनप्रोफेशनल समझ लो, इसे नॉन प्रोफेशनल समझ लो, और यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल लोग आ जाएंगे, ऑफिसर्स में बैठे होंगे हमारे आपकी तरह जो है कॉलर टाई ये सब लगा के, और ये अब बिचौलिया नहीं कहे जाएंगे, अब ये जनरल एम्प्लॉई या प्रोफेशनल एम्प्लॉई कहे जाएंगे। ये टेक्निकल है, मैं इनडेप्थ घुस के आपको बता रहा हूँ कि ये है क्या चीज़। तो सिंपल सा सिस्टम यही बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसके अलग अलग मुद्दों में मतभेद है। तो कहने का मतलब है किसानों के लिए सही है, लेकिन बिचौलियों के लिए ये चीज़ सही नहीं है, तो बिचौलियों को बीच से काटा जा रहा है। किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 के अनुसार पैदावार या फसल उगने से पहले खेती संबंधी करार किए जा सकेंगे। अभी क्या है, किसानों को ना लीगल तौर पर एक जो है मंजूरी दी जा रही है। अभी क्या होता है कि खेती हो जाती है, फसल उग जाता है, उसके बाद किसी दो के बीच में करार होता है। अभी सरकार क्या कर रही है, सरकार किसानों को अधिकार देने जा रही है कि भाई साहब अगर आपका खेत और फसल जो है उगा नहीं है, तभी भी आप किसी व्यापारी के साथ करार कर सकते हो, और वो करार कानूनन वैलिड होगा और उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इस तरीके की सुविधा इसमें बनाई गई है, और ऐसे समझौते में कृषि उपज की खरीद के लिए निश्चित मूल्य का उल्लेख किया जा सकता है। इसमें क्या है कि जो कृषि उपज है उसके लिए एक डेफिनेट अमाउंट बोला जा सकता है कि भाई पैदा होगी हम इतना पैसा देंगे ही देंगे, तो प्रायर करार में ये सारे काम किए जा सकते हैं। इसके कुछ और मुख्य बिंदु में बात करें कि इन विधेयकों के प्रावधानों के अनुसार कृषि उपज और खेती के क्षेत्र में स्टॉक सीमा और लाइसेंस राज की समाप्ति होगी। अभी क्या है, ये दो चीजें चलती है, एक है कि स्टॉक सीमा और एक है लाइसेंस राज, इन दोनों को समाप्त करने की कोशिश कर रही है सरकार। का इस विधेयक को लाने का मेन मुद्दा है कि वो ये चाहती है कि ये चीजें, ये दोनों चीजें खत्म हो जाए, ताकि किसान जो है, ये पॉजिटिव पहलू डिस्कस हो रहा है, नेगेटिव पहलू डिस्कस नहीं हो रहा है। नेगेटिव पहलू तो मैंने आपको बताया कि यहां से क्या नुकसान होने वाला है, किसानों को अनुबंध खेती से अधिक आय प्राप्त करने का सुनहरा अवसर भी मिल पाएगा। अभी क्या है, किसान क्या है, शुरू शुरू में ही जो व्यापारी लोग होते हैं डायरेक्ट किसान से अनुबंध कर पाएंगे, तो उनको ना उनको पहले से पैसा मिल जाएगा, तो इससे उनकी इनकम इंक्रीज होगी। तो सरकार का ये जो कदम है इस पॉइंट के तहत तो बहुत सराहनीय है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, इससे किसानों की उपज खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। बट ऑब्वियस बात है कि किसान का अगर खेती बिल्कुल स्टार्ट करते वक्त उपज कटा नहीं है, तभी अगर व्यापारी लोग इंटर करने लगेंगे तो प्रतिस्पर्धा इन व्यापारियों की बहुत बढ़ जाएगी, एक जाएंगे, दो जाएंगे, तीन जाएंगे, तो किसान अपनी मर्जी से अपने सामान का जो है प्राइस चार्ज कर पाएंगे, अपनी उपज का चार्ज कर पाएंगे, किसानों के लिए ये बेहतर हो पाएगा। किसानों को हर तरह से बिचौलियों और रुकावटों से आजाद करेगा। किसान अब यह चुनने के लिए स्वतंत्र है कि वो अपने उत्पादों को कहाँ और किस कीमत पर बेचेंगे। बट ऑब्वियस बात है कि ये हो पाएगा जब ये सारा का सारा सिस्टम सही से बिल्ड हो पाएगा, ग्रास रूट लेवल पे पहुंच पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो हमारे किसान भाई लोग हैं जिनके बच्चे नहीं पढ़े लिखे हैं, टेक्निकली जो है उतना अवेयर नहीं है, या बच्चे हैं तो शहर में हैं, तो सिस्टम वो पूरा का पूरा सही से वर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बड़े चैलेंजेस हैं। यदि किसान अपनी उपज की बिक्री करेंगे तो उन्हें मंडी कर नहीं देना होगा। जो देखो, किसान अगर अपनी जो है उपज की बिक्री अगर खुद करेंगे तो बट ऑब्वियस बात है अभी मंडी में जाते हैं। कभी आपने सुबह सुबह सब्जी मंडी, बड़ी सब्जी मंडी में गए हैं, वहाँ पे एक मंडी कर लगता है कि भाई साहब यहाँ ठेला लगाने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो ये चीज़ बच जाएगा। अब क्या होगा, अगर वो कोई काम डिजिटली करेंगे
तो डिजिटली करेंगे तो डिजिटली चार्ज लग भी सकता है, डिजिटली चार्ज नहीं लग सकता है, कमीशन काटा भी जा सकता है, कमीशन नहीं भी काटा जा सकता है, तो दोनों बातें यहां पे हो सकती है। अगर वो एड नेटवर्क पे काम करते हैं तो किसानों से चार्ज करने की जरूरत नहीं है। इन विधेयकों से कृषि उपज बाजार समिति AAMPC अधिनियम का प्रभाव किसी भी तरह कम नहीं किया जाएगा। ये एक अधिनियम है, इसका प्रभाव कम नहीं किया जाएगा। कृषि जींस के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की प्रणाली जारी रहेगी। MSP को समाप्त नहीं किया जा रहा है, ये किसानों के फेवर में एक अच्छा कानून था। प्रस्तावित कानूनों से किसानों को अंतरराज्य बाजारों तक पहुंच कायम करने की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। अब यह है कि अब अलग राज्यों के बीच में, अभी क्या है अपने ही राज्य में काम चलता रहता है, दूसरे राज्य में किसान डायरेक्टली पहुंच नहीं पाते हैं, अलग अलग मोड से जाते हैं, पर इलेक्ट्रॉनिकली आपको पता है ना कि राज्य का कोई लिमिट तो रहेगा नहीं। तो कहने का मतलब कि जो ये विधेयक लाया जा रहा है किसानों के लिए काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो हित में हैं। तो हम जो डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा काम होता है कि किसी भी विधेयक के पॉजिटिव पहलू को डिस्कस करना। जब हम न्यूज़ में बैठे होंगे, जब हम डिबेट में बैठे होंगे, तो उसके निगेटिव पहलू को भी हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ ये मुद्दा नहीं है कि हम निगेटिव पहलू को हाईलाइट करें। आपका एग्जाम कभी निगेटिव पहलू नहीं पूछता है, मेन इस पॉजिटिव पहलू पूछता है। इसके जो है, अगर आप UPSC की प्रिपरेशन करो या PCS की प्रिपरेशन करो, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनकी क्रिटिकल थिंकिंग पूछता है कि आप कितना क्रिटिकली थिंक करते हो, जिसमें मैंने आपको एक ये वाला जो पॉइंट है वो मैंने आपको सही से एक्सप्लेन किया है कि जो बिचौलिए हैं उनकी जो रोजगार है ना वो खत्म होगी, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा इंपैक्ट होगा, बहुत सारे लोग रोजगार उसे पाते हैं। अब इसके बाद बात करें भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि में किस संगठन से मध्यस्थता की है, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 ईस्वी में एक जो है समझौता हुआ था कि सिंधु समझौता, जिसमें से 6 नदियां हैं, 6 नदियों को 3 भारत में और 3 क्या है पाकिस्तान के अंदर दिया गया था, और वर्ल्ड बैंक ने ये समझौता जो है की मध्यस्थता की थी। तो थोड़ा सा जान लेते हैं, जो नदी है भारत के अंदर है वो है रावी, सतलज और ब्यास है, जबकि अगर मैं पाकिस्तान के बीच बात करूं झेलम, चिनाब और सिंधु, ये 3 नदियां हैं जो पाकिस्तान के लिए हैं, और ये जो 3 नदियां हैं रावी, सतलज और ब्यास, ये भारत के लिए है। लेकिन इसमें से भी खास बात ये है, ये भारत से ही तो होके जाती है ना, तो इसमें जो घरेलू जो उपयोग है, ठीक है, कृषि जो उपयोग है, ठीक है, गैर उपभोग वाले जितने भी उपयोग है, इन सब को छोड़ने के बाद, मतलब व्यापारिक उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन कृषि के लिए बात हो, घरेलू उपयोग की बात हो, तो इन सब के लिए इन नदियों का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज बाकी रेस्ट ऑफ द बिजनेस पर्पज से जितना भी सारा काम है इन 3 नदियों से, वो पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है। तो 19 सितंबर 1960 को क्या हुआ, ये समझौता हुआ था। तो 6 नदियां हैं, 6 नदियों में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंदूज वाटर ट्रीटी है और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में ये ट्रीटी हुई थी। 60 साल हो गए हैं इस वाटर ट्रीटी को लेके। अब इसके बाद बात करते हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए पहली बार भारत के कितने समुद्र तटों की सिफारिश की गई है। ब्लू फ्लैग डिस्कस करेंगे, ब्लू फ्लैग को लेके कि ब्लू फ्लैग है क्या और कितने समुद्र तट को क्या किया गया, सिफारिश किया गया 8 समुद्र तट को सिफारिश किया गया है। थोड़ा सा ब्लू फ्लैग को समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लू फ्लैग है क्या, ठीक है, और भारत के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल के लिए अनुशासित किया गया है। ब्लू फ्लैग का मतलब ये हो गया कि जो आपका जो समुद्र तट है, ठीक है, समुद्र तट के जो किनारा है, इस किनारे पे पर्यटन से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लू आपको पता है ना कि जो समुद्र होता है, समुद्र का कलर ब्लू होता है, उसी के नाम पे इसका ब्लू फ्लैग दिया है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या है ब्लू फ्लैग प्रमाणन है, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा, ये आपको नाम याद रखना है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क, ये क्या काम करती है, ये काइंड ऑफ एक रैंकिंग देती है, सिफारिश होती है कि इनको ये नाम दे दिया जाए, इस चीज़ के तहत आ दिया जाए, तो आपको क्या करना है, ये जो नाम दिया गया ब्लू फ्लैग, इनको बताया गया कि ये जो समुद्र तट है ये ब्लू फ्लैग होंगे। ये है क्या, बेसिकली इको लेबल है। इको लेबल का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, उसको इको लेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये समुद्र तट है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है समझिएगा, ब्लू फ्लैग समुद्र तट का एक इको टूरिज्म मॉडल है। क्या है, इको टूरिज्म मॉडल है। टूरिज्म मतलब समझ रहे हैं ना कि लोग वहाँ पे आते हैं, समुद्र पे आपको पता है बहुत सारे लोग आते हैं। अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली अगर टूरिज्म मॉडल बनाया जाए, कहने का मतलब आपको पता है कि जब भी टूरिस्ट जाते हैं तो बहुत सारे कचरा फेंकते हैं, अदर चीज़ें फेंकते हैं, अगर उनके डिस्पोज करने का सिस्टम सही से बनाया गया है ताकि एनवायरनमेंट में कोई खतरा ना पड़े, सब कुछ सही सिस्टम से रहे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, तो उसको हम इको टूरिज्म मॉडल या ब्लू फ्लैग बोलेंगे। ये नाम दिया जाता है अगर कोई समुद्र प्रॉपर तरीके से मेंटेन है तो, उनको फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क ये नाम देता है ब्लू फ्लैग का। तो भारत में 8 की सिफारिश हुई है ब्लू फ्लैग नाम देने के लिए।
इसमें जो पर्यटक आते हैं उनके लिए स्वच्छ जल सुविधाओं, सुरक्षित एवं स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करने के साथ साथ क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। इस पूरे मॉडल के अंतर्गत की वहां पे जो लोग आते हैं उनको स्वच्छ पानी मिले, सुविधाएं मिले, सुरक्षित एवं स्वास्थ्य वातावरण मिले और उस तट का सतत लगातार प्रयास होता रहे। भारत ने एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन ICJDM परियोजना के तहत अपना इको लेबल बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस, इसकी भी घोषणा की है। ये नाम है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नाम है, शिवराजपुर इन गुजरात, ये जो आठ है उनके नाम भी जान लीजिए, ठीक है। गोगला इन दमन एंड दीव, कासारकोड एंड पादुबद्री बीच इन कर्नाटका है, कप्पड़ इन केरला है, रूशिकोंडा इन आंध्र प्रदेश है, गोल्डन बीच है ओडिशा का, और राधानगर बीच इन अंडमान एंड निकोबार है। ये आठ बीच है, इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रख करने की जरूरत है कि ब्लू फ्लैग के लिए सिफारिश आठ की गई है। नंबर्स याद रखना है आपको, आठ की गई है और ये सारे के सारे जो है आपके आठ हैं जिनके नाम है, बस एक बार सुन लो, याद करने की जरूरत नहीं है। किसको नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO का अध्यक्ष बनाया गया है, अनिल धस्माना को जो है बनाया गया है NTRO का। इसके पहले ये रॉ के पूर्व ऑफिसर रह चुके हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ये आपका है, इसके पूर्व चीफ हैं जो है अनिल धस्माना, इनको नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO का अभी अध्यक्ष बनाया गया है। भारत की ये वो तकनीकी संस्था है जिन पर भू स्थानिक और सैटेलाइट तस्वीर की जिम्मेदारी होती है। बेसिकली ये सब मॉनिटरिंग सिस्टम है, रॉ भी मॉनिटर करता रहता है अर्थ को, ये भी मॉनिटर करते रहते हैं, तो ये भू स्थानिक और सैटेलाइट दोनों तरीके की तस्वीरों से मॉनिटर करते हैं अलग अलग जगहों पे क्या हो रहा है। तो धस्माना पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर सतीश झा की जगह लेंगे, किसकी जगह लेंगे, सतीश झा की जगह लेंगे। तो आपको याद रखना है कि NTRO का अध्यक्ष किसे चुना गया है, ये धस्माना जी को चुना गया है, अनिल धस्माना नाम है इनका, ये इनका फेस है, आप याद रख सकते हैं। ये रॉ के पहले पूर्व चीफ रह चुके हैं, रॉ के पूर्व चीफ, जब भी रॉ का नाम याद आता है, CBI का नाम याद आता है, बड़ा प्राउड सा फील होता है। बहुत सारी पिक्चरें हम लोगों ने देखी है, CBI का नाम अंदर आते ऐसे लगता है यार कि अगर CBI में जगह मिल जाए, अगर हमें सीट मिल जाए तो क्या मस्त काम होगा। और रॉ फिर तो मूवीज देख देख के रॉ एजेंट रॉ एजेंट रॉ एजेंट मतलब अलग ही फील आती है, FBI एजेंट रॉ एजेंट CBI एजेंट, और आप कर रहे हो CGL की तैयारी तो यहाँ से आपको जो पोस्ट मिलती है वो CBI में मिल जाती है, और सारे जो हमारी एजेंसीज हैं उनसे प्रमोट होके लोग रॉ में जाते हैं। और SG देवगौड़ा का नाम यहाँ पे आया था, तो रिसेंटली हैज टेकन द ओथ एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा है। और राजेश खुल्लर का नाम आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक, इन्हें नियुक्त किया गया था। इसके बाद अगर डिस्कस करें विश्व अल्जाइमर दिवस सालाना कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को, और विषय पूछा जाता है, विषय क्या था, तो डिमेंशिया के बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, ये इसका विषय था। तो बेसिकली जो है ये एक मनोभ्रंश की बीमारी है, दिमागी बीमारी है, और इससे जागरूक करने के लिए 21 सितंबर को ये वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है। तो डेमेंशिया याद रखिएगा, थोड़ा सा इजी सा है, 16 सितंबर को जो भी इसमें डेट आया उसको रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था आपको ओजोन फॉर लाइफ 30 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ये 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे था, थीम 2020 की हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी था। 19 सितंबर का थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, थीम 2020 अचीविंग ए ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन, ये 19 सितंबर का जो मनाया जाता है उसका रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का थीम क्या है, और देखो जो ऑप्शन है बम्बू नाउ, ये बम्बू दिवस मनाया जाता था, लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया अभी डिस्कस किया, अल्जाइमर्स डे के लिए सेपिंग पीस टुगेदर, वाटर्स डे के लिए सॉल्ट वाटर होगा, सेपिंग पीस टुगेदर ये शांति के लिए हुआ, ऑप्शन भी ऐसे हैं कि जो आसानी से आप टिक कर लोगे। तो सेपिंग पीस टुगेदर इसका थीम जान लेते हैं कि थीम क्या था, एक साथ शांति को आकार देना, सेपिंग पीस टुगेदर, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये बेसिकली इसका जो विषय है, एक साथ शांति को आकार देना, सेपिंग पीस टुगेदर, ये जो है आपके ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात करें बम्बू नाउ इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बम्बू डे, 18 सितंबर को मनाया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, 21 सितंबर, सेपिंग पीस टुगेदर 21 सितंबर, और इंटरनेशनल डे ऑफ पीस होता है। सॉल्ट वाटर इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, 18 सितंबर को ये मनाया जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL, जैसे ही बात आता है IPL की, लोग सब सट्टेबाजी में उतर जाते हैं, ड्रीम इलेवन का लेके, मैं बनाऊंगा टीम, मैं जीतूंगा लाखों करोड़ों, और फिर से सट्टेबाजी चालू होती है। और ये टेक्निकल सट्टेबाजी है, फैंटेसी गेम बोलते हैं इसको, और मुझे नहीं पता है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए किस किसने ड्रीम इलेवन खेला है, सब नालायक हैं। इसका 13वां संस्करण है, पूछा जा रहा है किस देश में हो रहा है, तो ये UAE में हो रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरात में हो रहा है। पहला मैच अबू धाबी में हुआ था, और ये देख रहे हैं ना, ये हमारे महेंद्र सिंह धोनी है और ये हमारे भाई साहब रोहित शर्मा है, और ये दोनों मैच इन्हीं के बीच में हुआ था और मैच टाई भी हुआ था। और अब इतना सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन है, मतलब मैच मैंने भी देखा होगा, नहीं देखा यार भाई साहब, आपको पढ़ाने में समय बीत जाता है, न्यूज़ में देखा था मैंने, क्योंकि करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ ना तो न्यूज़ सामने से गुजर जाती है। सो
इसमें और कुछ बताने की जरूरत है? ये बस पूछा गया था कहाँ हुआ है, तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है और ये आपका 13वां संस्करण रहा हुआ है। अबू धाबी में पहला मैच खेला गया है और ये चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियन के बीच में खेला गया, और चेन्नई सुपर किंग के कप्तान जो है हमारे महेंद्र सिंह धोनी, और ये जो है रोहित शर्मा है हमारे मुंबई इंडियंस के कप्तान। और इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो तो वैसे ही आपको जुबान पे याद होगी। बात करते हैं, आज एक स्टेट लिया है हमने, स्टेट के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। मिजोरम, मिजोरम की बात करें तो थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं, बगैर फिगर देखे बात बनेगी नहीं। मिजोरम ये है आपका, यहाँ है मिजोरम, मिजोरम से 1, 2, 3 असम, मणिपुर और त्रिपुरा, तीन देश इसके जो है लगे हुए हैं। और बात करें अगर इसके अगर वो है तो म्यांमार इसका जो है लगा हुआ देश है और बांग्लादेश इसका लगा हुआ देश है। तो ये स्थिति है मिजोरम की, इसको जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये आपकी पूरी कंट्री यहाँ यहाँ पे, और ये चीज़ है। तो इतना तो याद रहेगा, मुझे अंदाजा है, फिगर तो आपको याद होना चाहिए सभी को। थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा। कैपिटल आइजवाल मिजोरम की, सीएम जो है जोराम थंगना है, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई है, डिस्ट्रिक्ट 8 डिस्ट्रिक्ट है टोटल। कितना है मिजोरम में? सिर्फ और सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट है, लोकसभा 1, राज्यसभा 1। ऑफिशियल लैंग्वेज मिजो, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी तो जानते हो, मिजो शब्द याद रखिएगा, मिजोरम से मिजो। बॉर्डर इसका त्रिपुरा, असम, मणिपुर अभी डिस्कस किया, बांग्लादेश में हमारे इसके दो देश हैं। अगर स्टेट की ट्री बात करें, इंडिया रोज चेस्टनट है, मेजुआ फेरेहा बोलते हैं इसका, इसका साइंटिफिक नेम है। स्टेट फ्लावर की बात करें तो रेड वंदा है, और अगर स्टेट बर्ड की बात करें तो मिस्ट्रेस हम्स पीजेंट बोलते हैं इसको। इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल डिस्कस करें, पर ये बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा, डेटा आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन फिर भी एक बार चाहो तो मैं डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है, म्यूलियन, पांगवेमी, तीवी, थोरंगथन, तोकला, दाम्पा, तो बहुत सारे हैं। इसके लिए आपको मिमोनिक बना के याद करना पड़ेगा, और ये आपके स्टैटिक जीके के पोर्शन में मिमोनिक बनाने की ज़रूरत है, मैं ये दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज का करंट अफेयर आपको पसंद आया हो। अगर आपको करंट अफेयर पसंद आया हो, आप चाहते हैं इसका वीकली रिवीजन हो, तो जो लाइक का बटन है 500 तक रीच कराइए। मैं करंट अफेयर और बेहतर बनाऊंगा अगर ये टारगेट पूरा हुआ तो।